और सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि पंजाब से आ रही है, जहां पर दो संदिग्ध खालिस्तानी आतंकियों को पकड़ा गया है। एक महिला नर्स लुधियाना से पकड़ी गई है, दूसरा आतंकी गुरदासपुर से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक विदेशी फंडिंग के बूते ये लोग हिंदू नेताओं पर हमले की फिराक में थे। पहले से ही अलर्ट था कि पंजाब में खालिस्तानी जाल पांव फैला रहा है और पाकिस्तान इसे खुलकर मदद भी पहुंचा रहा है। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, क्या डिटेल्स? मेरा देखिए, कोई पहला मौका नहीं है, लेकिन मौका अब फिलहाल ये है कि पूरे जो है पंजाब और देश भर में जो है 550 प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ किस तरह की साजिशें चल रही है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आरएसएस और हिंदू के नेताओं को निशाने पर लिया जाना था ताकि पंजाब में आपसी भाईचारा खराब हो सके। और आईएसआई लगातार ही इस तरह की कोशिश कर रही है। ताजा मामले की बात करें तो इस मामले में भी फंडिंग जो है दुबई और अन्य देशों के जरिए हो रही थी और पैसा विदेश से आ रहा था। और जो ये लड़की है, ये नर्स का काम करती थी और जो गुरदासपुर से जिसे गिरफ्तार किया है, इससे पहले ये दुबई में ट्रक चलाता था, वहाँ ड्राइवर था और वहीं से जो है ये आईएसआई के लोगों के संपर्क में आया और वहीं से जो है इनको पैसा आ रहा था। फिलहाल इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने अदालत में पेश कर दिया, जहाँ से रिमांड लिया गया है। पुलिस को उम्मीद ये है कि इस पूरे मामले में और भी खुलासे फिलहाल हो सकते हैं। और ये सतेंद्र, ये जो बात सामने आ रही है कि नर्स के रूप में आतंकी काम करता था, इसके बारे में क्या जानकारी मिली? देखिए, ये जो लड़की है ये नर्स के रूप में नर्स का ही काम कर रही थी लुधियाना के हॉस्पिटल में, और जो ये लड़का है ये दुबई गया हुआ था और वहां से इस नर्स के खाते में ही पैसे आ रहे थे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि नर्स आगे पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाली थी, लेकिन पुलिस ने जब पूरी स्टेट ऑपरेशन सेल ने इस पूरे मामले की जांच करी तो लगा इसमें यही निकला कि ये दोनों एक मॉड्यूल के रूप में काम कर रहे थे और इनका जो है टारगेट था हिंदू और आरएसएस से जुड़े नेताओं को पर अटैक करना, और उसके लिए इन्होंने कई और लोग भी हायर किए हुए थे। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनके हिसाब से इन दोनों ने पंजाब के अंदर बड़ी अशांति फैलानी थी और उसके लिए पूरा जो है आईएसआई और जो और लोग हैं वो दुबई के जरिए टेरर फंडिंग इनको कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इस तमाम जानकारी के लिए आपका। टेरर फंडिंग का ये मामला, पंजाब से दो खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। लुधियाना में नर्स के रूप में एक महिला काम कर रही थी जिसके खाते में फंडिंग की जा रही थी और उसके साथ एक और आतंकी जुड़ा हुआ था। ये तमाम जानकारी सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता दे रहे थे। गुरदासपुर और लुधियाना से दोनों खालिस्तानी आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है।